देखो हमारे पिपरमिंट सब पानी भरा है, हम कुछ कर नहीं पाए। आलू रहे बहुत सब पानी में यहाँ बूढ़ी गवा रहे, गेहूँ सब पातर गिरे हमारे से बर्बादी। मिर्चा लगा रहा बहुत सार कोरोना में यहाँ सब कहूँ बाहर नहीं निकल पावत रहा है। सब जो 5 रुपया 4 रुपया हमारी मेहनता की खेती है जो बारिश की वजह से नहीं काफी हमारा नुकसान हुआ। इससे पहले हमारे गेहूं की खेती भी जब तैयार हो रही थी तभी ओलावृष्टि हुई। ऐसे भी आलू की खेती में जो है हमारा नुकसान बहुत हुआ क्योंकि उसी समय वो भी तैयार हो रही थी, इसीलिए उसका में भी बहुत सारे नुकसान हो गए और किसान इस तरह से परेशान हो रहा है जो है। और हमारी तो यही रोजी थी कि इसको हम तैयार करेंगे, 3-4 महीने की इसमें फसल थी और हमारा नमक रोटी सी का सहारा था। इसमें हमारी बारिश से भी सब चली गए, उसमें तो हम बहुत परेशान हो रहे हैं। यही नहीं हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जैसे कि बहुत सारे हैं और वो इस समय घर पर हैं और वो उनको क्या करें, वो सब बारिश की वजह से अपने घर पर लेटे हुए हैं और उनका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। काफ़ी नुकसान हुआ है, पहले तो आलू की खेती नुकसान हुई है, उसके बाद मेंथा की भी जो कुछ बहुत उम्मीद थी मेंथा से वो भी उसका भी नुकसान हो गया है काफी बारिश की वजह से। अब आलम क्या है, क्या इस मेथा की फसल से लागत निकल पाएगी? लागत नहीं निकल पाई, घाटे में जाएगी किसान। काफी बारिश हुई है, खेत में पानी भरा, आप देख रहे हैं। अब सब किसान परेशान है, लड़का बच्चा बाहर है, उन्होंने सब यही आई गए हैं, सरकारों परेशान करे वह कहूँ से नहीं पैसे नहीं मिल रहा है। हम सब बहुत परेशान हुई गए भैया, बस और हम का कर खेती रहा है। वह सब जुआ धर दी से ये देखो पानी से भरा है, का कर सके थे लड़का बच्चा कैसे जिए थे पेट अपन हम बस। का इस खेती से लागत निकल पाएगी? कुछ नहीं निकल पाई भैया, तनखो न निकल पाई, मैं कहा निकल पाई, 1 किलो तेल नहीं निकल पा रहे टंकी में, पहले निकल रहा है पानी गिर गया सब बर्बाद। पेराई भी नहीं आएगी? कुछ नहीं भैया, पेराई का 400 रुपया पेराई दी थे मंडी रहा, वह सब चली गई। अच्छा, अब आपकी उम्मीद जो भी थी वो पिपरमिंट से थी? हाँ, पूरी उम्मीद रहा कि जो उन्हें कुछ मिल जाए हम का तो कुछ हमारा कारोबार आगे बढ़ जाए, लेकिन वह सब चला गया वापस।